हेलो फ्रेंड, हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आज के इस वीडियो के अंदर हम लिनक्स 7 के रूट के पासवर्ड को ब्रेक करना देखेंगे। देखिए, जब आप इंटरनेशनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो या फिर आप किसी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हो, तो वहाँ पे हमेशा आपको रूट का पासवर्ड पता होना ज़रूरी है। बिकॉज रूट वो ऐसा यूज़र होता है जिसके ऊपर पावरफुल कंट्रोल्स होते हैं। रूट यूज़र चाहे तो किसी भी यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकता है, लेकिन अगर वो अपना खुद का पासवर्ड भूल जाए तो उसके लिए आपको कुछ सर्टन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप रेड हैट 7 के अंदर रूट का पासवर्ड क्रैक कर सकते हो। तो चलिए उस प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं नॉट लिस्टेड पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपना यूज़र नेम टाइप किया रूट, और मैं कोई पासवर्ड एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑफकोर्स वो पासवर्ड ले नहीं रहा है। नाउ इट्स टाइम टू ब्रेक द पासवर्ड। देखिए, एक्सट्रीमली अपर एंड साइड में आपको ये पावर ऑफ का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने पे आपको रिस्टार्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। ओके, अब जैसे आपकी मशीन रिबूट होने लगे, आपको इमिजिएटली अपने कीबोर्ड के ऊपर अप एंड डाउन एरो प्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि आपको आपके ग्रब के लाइंस को एडिट करना है। ग्रब का फुल फॉर्म है ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर। ये वो मैकेनिज्म है जो आपके मशीन को बूट करने में मदद करती है। ओके, तो ना देखिए, ये मेरी जो मशीन है इसके ऊपर हमने ड्यूअल बूट परफॉर्म किया था, इसके वजह से विंडोज 8 का ऑप्शन भी यहाँ पे आ चुका है। नाउ मुझे फिलहाल इंटरेस्ट है मेरे फर्स्ट लाइन के ऊपर, जो मेंशन किया जा रहा है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सर्वर विद 3.10। अभी देखिए 3.10 क्या है, ये मेरे कर्नल का वर्जन है। उसके बाद में ये जो 0-123 नज़र आ रहा ना, ये मेरा माइनर रिलीज वर्जन है। इसके बाद में डॉट देने के बाद आपको EL7 नज़र आ रहा है। EL7 का मतलब है ये रेड हैट 7 की मशीन है। अगर यहाँ पे EL6 होता तो रेड हैट 6, EL5 होता तो रेड हैट 5, EL4 होता तो रेड हैट 4। फिलहाल ये इंटरप्राइज लिनक्स 7 है, तो इसलिए यहाँ पे EL7 आ चुका है। आफ्टर दैट डॉट देके आपको ये आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है, जो कि x86_64 बताया जा रहा है। इसका मतलब ये मेरे 32-bit और 64-bit दोनों को ही सपोर्ट करेगी। ओके, नाउ जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया, नीचे की तरफ आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। प्रेस अप एंड डाउन एरो, अप एंड डाउन एरो से आप उसे चेंज कर सकते हो, और एडिट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रेस ई टू एडिट। ओके, ये रहा ई। देखिए, रूट के पासवर्ड ब्रेक करते वक्त आपको माउस नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे मैं एक वर्चुअल मशीन के ऊपर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसके वजह से यहाँ पे वो जो माउस कर्सर आपको मूव होते हुए नज़र आएगा। बट इन रियल सिनेरियो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड से ही यूज़ करना है। ओके, तो अपने कीबोर्ड के ऊपर मैं यहाँ पे ई प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ई प्रेस किया, मेरे सामने कुछ सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन लाइंस आ चुकी है, जिसमें से मुझे फाइंड करना है मेरा लिनक्स 16 वाली लाइन। तो चलिए देखते हैं। डाउन आरो, डाउन आरो, डाउन आरो। देखिए, मेरे सामने दो लिनक्स 16 लाइन है, ये पहली वाली और ये दूसरी वाली, जिसमें से फर्स्ट जो है लिनक्स 16 /vmlizer, इस लाइन के ऊपर आने के बाद, ओके, फर्स्ट लाइन के ऊपर आने के बाद आपको अपने कीबोर्ड के ऊपर एंड की प्रेस करनी है, ताकि उस अप लाइन के आखिर में चल जाओ। होम की से शुरू में, एंड की से आखिर में। आगे आपको यहाँ पे लिखना है स्पेस देने के बाद rd.break। ओके, rd.break से क्या होगा, मैं अपने मशीन को कह रहा हूँ कि बाबा तू पासवर्ड ब्रेक करने के लिए तैयार हो जा। ओके, सो दिस इज अ टैग ओवर हियर। अब मुझे यहाँ पे मेंशन करना है कि आगे क्या करें, आगे क्या करना है उससे रिलेटेड सजेशन दिए गए। प्रेस Ctrl+X टू स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर Ctrl+X प्रेस जैसे करूँगा तो मेरी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। अब जो मुझे एक्सेस मिलने वाला है वो होगा कमांड लाइन, प्योरली कमांड लाइन का एक्सेस। ओके, नाउ स्विच टू -root:\#। यहाँ पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा -o। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी कंटेंट है वो मेरे लिए ओवरराइट करने जाए, इसलिए remount, कॉमा देके rw।
इसका मतलब क्या, मेरे मशीन के अंदर जो कुछ भी कंटेनर है उसे रिमाउंट कर और मेरे लिए रीड राइट के फॉर्म में अवेलेबल करवा के दे। लेकिन कौन सा कंटेन, सिस रूट के अंदर जो कुछ भी अवेलेबल है वो, सो फॉरवर्ड स्लैश सिस रूट, ओके, टैप देके आप उसे ऑटो कंप्लीट कर सकते हो। तो ये है मेरी पहली कमांड। इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर सिस रूट के ऊपर मैं एज एन रूट की तरह काम करूँ, तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट कमांड लिखनी पड़ेगी सी एच रूट, देन स्पेस देने के बाद सिस रूट, ओके। यू कैन यूज ऑटो कंप्लीशन के लिए टैब इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर दिया, इमिजिएटली यू विल सी कि मेरे सामने जो प्रॉम्प्ट मिला है वो मेरा sh प्रॉम्प्ट है, ओके, जो कि यूनिक्स का डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट है, ओके। तो फिलहाल मैं इसी प्रॉम्प्ट के साथ काम करूँगा। अब मुझे यहाँ पे लिखना है पास wd, ओके ना, पास wd से आप यूज़र का पासवर्ड चेंज कर सकते हो, किसी भी यूज़र का। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि इस कमांड से मेरे रूट यूज़र का पासवर्ड चेंज हो, तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम रूट दिया एंड प्रेस एंटर। और जो भी आपका पासवर्ड होगा वो पासवर्ड आपको यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। तो फिलहाल मैं अपना नया पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। मेरा पासवर्ड कुछ होगा cms@nsk#123, ओके। मुझे रिट्राइप करने को कहा गया पासवर्ड cms@nsk#123। नाउ देखिए, जैसे आपको ये मैसेज आता है ना, ऑल द टोकन अपडेट सक्सेसफुली, इसका मतलब आपका वो पासवर्ड सेट हो चुका है। इतना करने के बावजूद भी आपको यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन मेंशन करना ज़रूरी है। जब तक आप वो लाइन मेंशन नहीं करोगे तब तक आपके मशीन का पासवर्ड ब्रेक नहीं होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। वो लाइन है टच, ओके, टच के बाद आपको स्पेस देना है, उसके बाद में फॉरवर्ड स्लैश सिंगल डॉट ऑटो रिले बेल, ओके, सो फॉरवर्ड स्लैश ऑटो रिलेबल, ये वो कमांड है, ओके। इसके बाद आपको यहां पे एंटर देना जरूरी है, देन आप दो बार एग्जिट प्रेस कीजिए। ये रहा पहला एग्जिट, फिर से एक बार एग्जिट करने के बाद मेरी मशीन लॉग आउट होगी और थोड़ी देर में मुझे अपने मशीन का एक्सेस मिलेगा आफ्टर रिबूटिंग। तो चलिए रुकते हैं उस तब के लिए। देखिए ये मैकेनिज्म थोड़ा टाइम लेता है, क्यों, क्योंकि शुरू में हमने जो कमांड यूज़ की है और आखिर में जो हमने कमांड दी ऑटो रिलेबल वाली, ओके, इसका मतलब क्या, मेरे मशीन के अंदर पुराने जितने भी सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है ना वो फिर से अप्लाई कर दे, तो वो पुराने कॉन्टेक्स्ट अप्लाई करने के लिए वो मशीन टाइम लेती है, सो वी हैव टू वेट पेशेंटली। जैसे कि शुरू में आपको बताया था कि मेरी ये मशीन ड्यूअल बूट परफॉर्म हो चुकी है, जिसमें से जो मेरा लास्ट वाला पोर्शन है जिसके अंदर विंडोज़ 8 है, मैं चाहूँ तो उस पर्टिकुलर पोर्शन को डिफॉल्ट भी कर सकता हूँ। साथ ही साथ मेरे ये जो ग्रब का जो मेन्यू था ना उसका टाइम भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में या कह सकते हैं अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से किया जाता है आफ्टर कंप्लीशन दिस टास्क। ओके, नाउ अब यहाँ पे मेरी मशीन ऑन हो रही है। देखिए मैंने ऑलरेडी इसका जो टाइम स्पैंड है ना वो 1 मिनट का करके रखा है। मैं चाहूँ तो उसे एंटर देके आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, तो फिलहाल मैं यहाँ पे एंटर देने वाला हूँ। थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये टाइम स्पैंड आप कम ज़्यादा कर सकते हो, साथ ही साथ ये जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पहला नज़र आ रहा है ना उसको किस तरह से सेकंड और किस तरह से थर्ड किया जाए। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एंटर देता हूँ। देखिए मैंने अपने रूट का पासवर्ड तो चेंज किया है, मेरे रूट का जो नया पासवर्ड है वो मैं अभी यहाँ पे एंटर करूँगा, जो कि है cms@nsk#123। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं, अगर ये हो गया इसका मतलब हमारा ये फर्स्ट हाफ ऑफ प्रैक्टिकल कंप्लीट है।
ओके नॉट लिस्टेड पे क्लिक करेंगे, यूज़र नेम रूट, और जो कुछ भी आपने पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, जो कि सक्सेसफुली हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से रूट यूज़र का पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। अब जो आपको दिखाने वाला हो वो है कि किस तरह से हम अपने मशीन का वो डिफ़ॉल्ट टाइम आउट सेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आपने शुरू में देखा था कि मेरे इस मशीन का डिफ़ॉल्ट टाइम आउट जो पीरियड था वो 1 मिनट के लिए सेट था, अब उसे मैं कम या ज़्यादा करने वाला हूँ। तो उसके लिए हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। नाउ यहाँ पे आने के बाद आपको एक फाइल को एडिट करना है, और वो फाइल है आपकी, कैट करके देख लेते हैं सबसे अंदर, उसके अंदर क्या है, ETC के अंदर डिफॉल्ट के अंदर आपको ग्रब करके एक फाइल मिलेगी। तो ये रही वो फाइल। ओके सो कैट से मैंने उसका कंटेंट देखा, फाइल का पाथ है /etc /grub। इसके अंदर आपको ये जो ग्रब टाइम आउट नज़र आ रहा है ना, इसके सामने फिलहाल 60 लिखा है, इसका मतलब ये 60 सेकंड कुल मिला के 1 मिनट तक रुकेगा। अब चाहे तो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स 7 का जो डिफ़ॉल्ट टाइम आउट पीरियड होता है वो 5 सेकंड का होता है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे आपको ये ज़्यादा अगर चाहिए तो आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको टाइम कम करने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे इस फाइल को एडिट करना पड़ेगा। आपको पता है किसी भी फाइल को एडिट करने के लिए हम VIM एडिटर का इस्तेमाल करते हैं, और आगे उस पर्टिकुलर फाइल का नाम। यहाँ पे एंटर देने के बाद मुझे सबसे पहले मिला उसका कमांड मोड मिला है VIM का। अब मुझे यहाँ पे आई प्रेस करना है, तो यहाँ पे बॉटम में देखिए, जैसे मैंने अपने कीबोर्ड के ऊपर आई प्रेस करूँगा, यहाँ पे इंसर्ट मोड पे मैं चला गया। ओके सो राइट नाउ आई एम इन दैट फाइल। अब मुझे इस पहले लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पे 60 की जगह, चलो मैं इसका टाइम स्पैन रखने वाला हूँ 20 सेकंड्स। ओके तो ये सेकंड्स के फॉर्म में मेंशन करता है। बाद में आपको कीबोर्ड के ऊपर एस्केप प्रेस करना है Shift:WQ ताकि वो फाइल सेव हो जाए। अप एरो कैट करके चेक कर लेते, इसका टाइम स्पैन तो चेंज नज़र आ रहा है, लेकिन ये चेंजेस इफेक्ट में नहीं आएंगे जब तक के आप अपने ग्रब को अपडेट नहीं करवाते। तो ग्रब को अपडेट करवाने के लिए आपको एक कमांड यूज़ करनी पड़ती है, और वो कमांड है grub-mkconfig। ओके सो -mkconfig करने के बाद -o स्पेस देने के बाद आपको देना है, ऑफकोर्स बाद में कहना है forward slash boot के अंदर मेरे पास ग्रब के एक लाइन है grub2, उसके अंदर grub.conf। आप चाहे तो यहाँ पे टैप देके उसको ऑटो कंप्लीट कर सकते हो, एंड एंटर। तो जैसे मैंने ये कमांड फाइल की तो क्या होगा, मेरे जो कुछ भी रिसेंटली चेंजेस है उन सभी चेंजेस को वो इस बूट grub2 grub.conf के साथ मैच करेगा, और मैच करने के बाद अगर उसका स्टेटस डन आता है इसका मतलब हमने वो फाइल प्रॉपरली कॉन्फिगर कर ली है। अब मुझे इसकी टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे मैं रिबूट करके कमांड टाइप करूँगा। नो जैसे आपको मैंने पहले बताया था शुरू में ये टाइम स्पैन 60 सेकंड्स का था, अब ये टाइम स्पैन 20 सेकंड्स का होना चाहिए। सो लेट्स सी, देखा नजर आ रहा है, अब ये नेगेटिव काउंटडाउन शुरू। आप चाहे तो इसे बढ़ा भी सकते हो, आप चाहे तो इसे कम भी कर सकते हो। अब देखिए बाय डिफॉल्ट मेरा ये जो पोर्शन है फर्स्ट लाइन पे सिलेक्टेड था। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरी मशीन ऑन है तो अगर उस टाइम स्पैन के बाद मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं किए, मतलब अप डाउन एरो प्रेस नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर वो पर्टिकुलर लाइन मेरे लिए ओपन होनी चाहिए। फिलहाल के लिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन ओपन है, सेकंड जो लाइन है वो रेस्क्यू मोड के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि जब कभी भी मैं इस मशीन को ऑन करूँ तो बाय डिफॉल्ट मेरा विंडोज 8 ही ऑन होना चाहिए, ओके विदाउट एनी सिलेक्शंस। तो वो कैसे करते वो हम देख लेते हैं। फिलहाल इस क्यू में फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन पे हमारी विंडोज की एंट्री है, इज दैट क्लियर। और लिनक्स के अंदर जीरो को वैल्यू है,
मतलब जब कभी भी आप फर्स्ट नंबर से शुरुआत करते हो तो उसका पोजीशन नंबर आता है वाज, ओके, सो 0, 1 और 2, इस हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। तो चलिए क्विकली इस प्रैक्टिकल भी कर लेते। पहले लाइन पे गए, लॉग इन करो, इसके बाद मुझे अपने मशीन का पासवर्ड देना पड़ेगा। सो नॉट लिस्टेड यूजर नेम रूट, तो अब हम देखेंगे किस तरह से हमारा डिफॉल्ट मेनू हम चूज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ओपन टर्मिनल कहना है। जैसे कि आपको मैंने लिखा था कि वेरा जो मेरा बूट ऑप्शन है विंडोज़ 8 का वो नंबर 3 पे है, तो मुझे यहाँ पे एक कमांड टाइप करना पड़ेगी, ग्रब 2-set default करके। सो ग्रब 2-set default, ओके। अगर आप चाहते हो फर्स्ट वाला रहे तो यहाँ पे आप 0 लिखो, अगर आप चाहते हो कि वो सेकंड वाला रहे तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है, अगर आप चाहते हो कि वो थर्ड वाला हो जो कि मेरे केस में है विंडोज 8 वाला, तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे। क्यों? क्योंकि 0 से अगर हम काउंट करते हैं तो नंबर 2 आता है थर्ड पोजीशन पे। यहाँ पे मुझे एंटर देना है। एंटर देने के बाद फिर से मुझे अपने ग्रब को अपडेट करवाना है बाय यूजिंग अ सेम कमांड, वो है ग्रब 2-mcconfig-o/boot-grub.2-grub.cfg। हाँ, जिसमें से सीएफजी का मतलब है कॉन्फिगेशन फाइल। चलो हम अपने ग्रब को भी अपडेट करा देते हैं। जैसे ही डन आ गया अब हम इस मशीन को रीबूट करेंगे। तो चलो यहाँ पे डन आ गया, अब रीबूट करके चेक कर लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारा टाइम स्पैन 20 सेकंड्स का है और हमने यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चूज किया है, इसलिए बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आंसर्स क्या मिला है विंडोज 8 का। अब अगर मैं यहाँ पे किसी भी तरह का की एंटर नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट आफ्टर द नेगेटिव काउंटिंग मेरा विंडोज 8 ही लोड होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, अगर ये हो गया इसका मतलब हमारा ये प्रैक्टिकल सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यस, विंडोज लोड हो रहा है। तो आज हमने देखा किस तरह से हम ग्रब के मेड्यूज को एंटर कर सकते हैं। मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनोने। आने वाले वीडियोस के लिए हम जरूर मिलेंगे हमारे YouTube चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।